सरगुन मेहता, आप सबकी फुलवा, और आप देख रहे हैं हमें टेली तड़का पे। मेरा नाम अजय सिंह चौधरी और एसीपी अभय राय सिंह, और आप देख रहे हैं हमें टेली तड़का पे। वेलकम यू बोथ टू टेली तड़का। सो टेल अस, हाउ इज द जर्नी बीन इन फुलवा? इट हैज बीन वेरी वेरी नाइस। आई हैव एंजॉयड इट थरोली thoroughly, whatever 3-4 months have gone by, but it doesn't even feel like I've been here around for 3-4 months. Everybody is so comfortable, everybody is so nice and everything, so it feels like it's been years I've been shooting for Phulwa, and everybody is really good friends and it's a lot of fun on the sets. मज़ेदार एकदम, इन्होंने इनका copy paste इनके थोड़े दिन बाद में entry किया मैंने, लेकिन it's very nice. Everybody is very nice. Really? Yeah. Yeah, thank you. So when you first heard the role that's been they told you about the character and everything, what made you accept the role as such? Actually, मेरे character में इन लोगों ने बहुत सारे shades डाले हैं, तो as an actor मैं ऐसा ही character करना चाहता था, और जैसे ही मुझे offer हुआ मैंने बिल्कुल भी time ना लगाते हुए एकदम से contract पे sign कर दिया और शूटिंग शुरू कर दी अगले दिन से। आप सिंपल थिंग कि एक रोती हुई बहू नहीं थी या कोई बबली बहन नहीं थी या बिल्कुल क्लीशे कैरेक्टर नहीं था। शी वॉज अ डिफरेंट कैरेक्टर, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, जो एक पॉजिटिव लीड होकर भी एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभाना आई थिंक टीवी पे वॉज अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड आई वॉन्टेड टू टेक अप द चैलेंज। You've done Kumkum earlier, in which you're playing a very carefree and positive guy. Mm-hmm. So, like, how was the change, and how do you prepare for this role as such? Real life. I don't know. मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग मुझे क्यों ऐसे कैरेक्टर्स ऑफर करते हैं जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट अच्छा है, मतलब एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आता है। नहीं, वो तो हर इंसान एक ग्रे कैरेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरे में नहीं है। तो आप पूरी नेगेटिव हैं? ओह शिट, मैं पूरी पॉजिटिव हूँ। हर चीज मेरे को कैसे बोलता है, हाउ लेजी कैन यू बी टू टॉक। करंटली हम ये शूट कर रहे हैं कि ये मुझे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता। मैं नहीं करता। बेसिकली कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ने ऐसा बना दिया, कुछ चैलेंजेस ने, कुछ हमारी ईगोज ने, कुछ हमारी लड़ाई ने, कि मेरी और अभय राय सिंह की शादी होने वाली है। और ये सब प्लानिंग थी जो अभय राय सिंह और इनके बाप ने की थी, और उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है। लेकिन आप ये डिसीजन ले क्यों रही हैं? मेरी मर्जी। अरे मुझे उनसे बदला लेना है, मुझे उनसे बदला लेने के लिए अब मैं जेल में आटा चक्की पीसते पीसते तो बदला नहीं ले सकती ना। तुम्हारे घर में बैठकर, तुम्हारे सामने रहकर तुमसे बदला लूंगी ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से। मेरे यहाँ पे छाती पे ऐसे मुंह दलेंगे भी आने वाले एपिसोड्स में। Not literally, हाँ। यही है ना, छाती पे मूंग दलना, ऐसे यही कहावत है ना। बस बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहावत। तुम तो रहने दो। मैंने तो इन्हें ढंग से देखा ही नहीं। ये बहुत छोटी सी है। छोटी सी? छोटी सी मतलब पतली सी, छोटी सी तो दिखी नहीं मुझे। हेलो, इधर उधर से कहीं निकल लेगी। हेलो, नहीं फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब ऐसे ही, बस यही सोचा कि अच्छी एक्टर है, क्योंकि हम लोगों ने एक सीन किया था, तो मैंने यही सोचा था कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस एंड अच्छी है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा स्टार टाइप्स नहीं है। हेलो, तो मैं कौन सा शाहरुख खान हूँ? नहीं मतलब होता है यार, हर इंसान को कुछ ना कुछ दिमाग कहीं ना कहीं होता है। हाँ, जैसे इनका है। जब मैं पहली बार आए थे ऐसे लग रहा था कि शायद हमें ऊपर उठकर देखना पड़ेगा इन्हें। इतनी हवा में चल रहे हैं ये क्या। पर फिर जब इससे पहली बार ही बात करी तो ऐसा लगा कि
बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है यार, पब्लिक है भाई, टेली तड़का सब लोग देखेंगे। बट जैसे ही इसने दूसरा शब्द बोला, बस ऐसे लगा फूल झड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा इंसान है। नहीं नहीं, ही इज जैसा ही दिखता है वैसा है नहीं, जैसा मैं अच्छा ही दिखता हूँ और अच्छा ही हूँ। तो कैसे है कि नहीं, मुझे नेगेटिव रोल मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ। एटीट्यूड वाला दिखता है, पर इसमें इतना एटीट्यूड है नहीं। एटीट्यूड वाला कहाँ दिखता है, बहुत ही मस्त बंदा है। और ये हर बात पे ये कहता है, तुम अपना देखो यार। तुम अपना देखो यार, ये इसकी क्लीशे लाइन है, कुछ भी कह लो इसे, ये यही कहता है। बताओ हॉबीज, तुम बताओ पहले। मेरी तो कोई हॉबी है नहीं, मैं सोता रहता हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है सो जाता हूँ या फिर ड्राइव पे निकल जाता हूँ, और कुछ खास करने को है नहीं। खाता रहता हूँ, बहुत मोटा होता रहता हूँ। ड्रीम कार सोचना पड़ा, हमर लेनी है फिलहाल, तो उसके बाद मतलब ड्रीम चेंज होते रहते हैं मेरे। मतलब एक हमर है और बस हमर है फिलहाल तो। मेरी बहुत सारी हॉबीज है, मुझे दीवारें पेंट करना बहुत अच्छा लगता है घर की किसी। और मुझे ये सारे, मुझे स्टेशनरी खरीदने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें करने का बहुत शौक है। हॉबीज इनकी सारे उल्टे काम। मुझे डांस करने का बहुत शौक है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे सोने का बहुत शौक, खाने का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है, टीवी देखने का भी मुझे बहुत शौक है। मेरी बहुत सारी हॉबीज है लाइफ में। I like everything. I like typical Bollywood masala dance. But when I have to learn, when I have to go out, I learned thoda sa jazz, thoda sa hip hop, and like literally little, and thoda sa salsa. But I think I really enjoyed salsa. And if I have the time, I want to like learn like all levels of salsa. Reading, you said. So what kind of books? I read anything that interests me. Like not, but matlab basically, I really like Paulo Coelho. I've read I think almost all his books by now, and I really like his writing. Something that I can relate to, something that I can take something from. I don't really like those typical Dan Brown kind of books. I like these kinds. And you said you are a foodie. Kis tarah ka khana hai? Sab kuch puchenge har hobby ke bare mein, kuch na kuch. Kuch bhi mil jayega. Chicken mein kuch bhi mil jaye, sab kha leti hu main. So, abhi last thing, like any off screen up buddies kaun hai sets pe? Whom do you get along with the most? सभी लोग हैं, मतलब हम लोग आपस में जब बैठ जाते हैं तो फिर शूटिंग भूल ही जाते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, मस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब लोग आपस में खूब मस्ती करते रहते हैं और सब लोग मिल के बैठ के खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो सब लोगों की एक जैसी केमिस्ट्री है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कुछ खास और कहीं कुछ कम, सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, है ना? हाँ, मतलब हाँ। नहीं, मेरा मतलब है ऑब्वियसली कि कुछ लोगों के साथ, जैसे मैं गायत्री के साथ अगर रूम शेयर करती हूँ, आई स्पेंड मोर टाइम विद हर, तो मे बी आफ्टर द शूट आई मीट हर मोर। तो शूट आल्सो, हाँ ऑब्वियसली, क्यों ऑफ स्क्रीन वही तो होता है। अच्छा, ऑफ स्क्रीन मतलब, चलो ठीक है, ऑफ स्क्रीन मतलब सीरियसली ऑफ स्क्रीन यार। सीरियसली ऑफ स्क्रीन में I get along with everybody on the sets. Everybody is really nice. We are all very, very close to each other. But if I have to choose people who I'm the closest to, it would be Shikha, that's Gayatri, and Abhin, that's Ajay. Yeah, so we guys have a lot of fun. Ji, inhe. Inhe. You're done. But any message to your fans who are watching you on Telly Tadka? हमारे शो में बहुत सारे न्यू ट्विस्ट आने वाले हैं और बहुत सारी और नई नई चीज़ें आने वाली हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग अस, एंड अगर हो सके तो हमें अपना फीडबैक भी देते रहिएगा। और ये मुझे पता नहीं है कैसे, कैसा भी फीडबैक हो, आप हम फीडबैक देते रहिएगा, आप टेली तड़का के थ्रू हम तक पहुँचिए और हमें बताइए कि हमारा काम कैसा लग रहा है, और देखिए ज़रूर, क्योंकि हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। कलर्स पे 9 बजे जस्ट फुलवा। Thank you. So much.